हेलो एवरीबॉडी, आई एम अभिषेक साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग। आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन रोप शॉवेल एंड हाइड्रोलिक शॉवेल के बारे में। रोप शॉवेल का पावर ट्रांसमिशन स्टील वायर रोप के थ्रू होता है और हाइड्रोलिक शॉवेल का पावर ट्रांसमिशन हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू होता है। रोप शॉवेल का पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी लेस होता है और हाइड्रोलिक शॉवेल का पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, एक्सेलेंट होता है। साइकिल टाइमिंग अच्छा होता है रोप शॉवेल का और साइकिल टाइमिंग बहुत कम है हाइड्रोलिक शॉवेल का। नॉइस लेवल जो है बहुत ज़्यादा है रोप शॉवेल में और नॉइस लेवल हाइड्रोलिक शॉवेल का बहुत कम है, क्योंकि स्मूथर ऑपरेशन करता है। मेंटेनेंस कॉस्ट रोप शॉवेल का बहुत ज़्यादा है और वहीं हाइड्रोलिक शॉवेल का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम लेस है। इनिशियल कैपिटल इज हाई कंपेयर टू हाइड्रोलिक शॉवेल। हाइड्रोलिक शॉवेल का इनिशियल कैपिटल बहुत कम है एज कंपेयर टू रोप शॉवेल। लाइफ इज लार्ज ऑफ रोप शॉवेल एज कंपेयर टू हाइड्रोलिक शॉवेल, 20 से 25 साल ज़्यादा है और हाइड्रोलिक शॉवेल का 9 से 12 साल है ओनली एज़ कम्पेयर टू रोप शॉवेल।